नमस्कार, मुख्य समाचार में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आजमगढ़ विकास खंड पमई के जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से बढ़ रहा है भ्रष्टाचार। हालांकि आपको सच्चाई बताते चले कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हुए शासन आदेश की उड़ाई जा रही धज्जियां। शासन आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे अधिकारी वे कर्मचारी प्रधान वे अधिकारियों की मिलीभगत से दर दर भटक रही है। सामुदायिक शौचालय रज्जाकपुर की सफाई कर्मी सावित्री देवी को कब मिलेगा न्याय? क्या है पूरा मामला? इसी तरह से चलता रहेगा प्रधान और अधिकारियों का मनमानी का खेला। आपको सच्चाई बताते चले कि अगर सफाई कर्मी सावित्री देवी को शौचालय की चाबी मिली होती तो शायद यह दुर्दशा नहीं होता, नहीं झेलना पड़ता। सामुदायिक शौचालय ग्राम सभा रज्जाकपुर, हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी ध्यान रखा जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार ने शौच के लिए बनाया है ताकि गांव के लोग शौच करें, बाहर ना जाए। जहां देखिए तहां ताले नजर आ रहे हैं सामुदायिक शौचालयों में। इधर पुरुष शौचालय लिखा है, शौचालय पुरुष के लिए लिखा है। हाँ मैडम, आपकी नियुक्ति सामुदायिक शौचालय रज्जाकपुर में हुई थी, तो क्या कारण है कि आपने ज्वाइन नहीं किया? सर, हमने गए उनके घर, गए। किसके घर गई आप? प्रधान के। प्रधान घर गए, प्रधान घर गए तो बैठे वहाँ पर, चाय पानी दिए पिए। उसके बाद मतलब हमको चाबी चाहिए, शौचालय खोलना है, तो बोले चाबी हम नहीं देंगे। एक बार गया, हम दो तीन बार गए और फिर मतलब एक बार मतलब ब्लॉक पर शिकायत किए, बोले कि कहना है, नहीं दी। आपको चाबी नहीं दिए? नहीं सर। और आप दौड़ती रही? हाँ गए सर, जब उसके बाद नहीं दिए तो हम थोड़ा शांत होकर बैठ गए। तो आप इसकी शिकायत ब्लॉक के किसी अधिकारी या कर्मचारी से आपने किया था या नहीं? डीएम सर से बोल कहे कि चाबी दिलवा देंगे, भाई वो भी कहे होंगे। कहे किससे कही थी आप? जैसे जो हमारे बीएमएम सर हैं, जो मतलब जहाँ से हमारी नियुक्ति हुई, जो मतलब जो है कि क्या कहते हैं हम लोग का जो चलता है ये समूह चलता। अच्छा, है समूह। तो उन्होंने कहा कि हम दिलवा देंगे। हाँ कहे चाबी भाई दिलवा देंगे, देंगे चाबी। और आज तक आपको चाबी नहीं मिला? नहीं सर। तो उस शौचालय पर हमने देखा कि वहाँ ताला बंद था और उसमें जब ताला खुलवाया गया तो उसमें गृहस्थी का सब सामान उसमें रखा मिला। वह जो महिला वहाँ थी वो महिला कौन है, उसको आप जानती हैं? सर उसको हम नहीं जानते, वो ही रखे करे होंगे, क्या किए क्या नहीं किए। अच्छा, वो प्रधान अपनी मर्जी से रखे हैं? वो रखे होंगे अपनी मर्जी, उनको हम नहीं जानते हैं। हाँ, तो इसके बारे में आप शिकायत भी की और उसका निराकरण भी नहीं हुआ? हाँ, अपने बीमा सर से कहे हम सर। और आप उसी इंतजार में आज भी बैठी पड़ी हैं? बैठे हुए, और हम कुछ करे भी नहीं उनके लिए, मतलब जो एप्लीकेशन डालें दे, हमेशा भी नहीं कि हम के भाई दे देंगे। नियुक्ति हमारी हुई है, हम नहीं चाबी दिए तो हम बैठे हुए हैं वैसे। चलिए ठीक है।